देवतुल्य आयो माँ शक्ति आज स्वाध्याय चंद्र कुमार के माँ के 944 दिन मंगलवार तारीख 28 मई 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय बागी शर्मा जी जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है। और आज आपका जो विषय है वो है नौ तपा, ग्रीष्म काल के 9 दिन और हिंदू धर्म में इन दिनों का महत्व, क्योंकि तो मौसम काफी गर्म है, टेम्परेचर 44 से ऊपर ही होगा। आप ज्यादा समय न लेते आदरणीय बागी शर्मा जी से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय बागी जी इन्फॉर्मेशन जारी आज की के आने वाले कुछ दिनों में जो तापमान है वो 47-48 डिग्री तक जा सकता, क्योंकि क्यूमुलस बादलों की जो उपस्थिति है वो अधिकांश क्षेत्रों में है और ये सारे माहौल को गमघोटू कर देती। और साथ साथ उन्होंने कुछ चेतावनियां भी जारी की और सावधान। अब ये क्यूमुलस बादल क्या होते हैं? ये अन्य प्रकार के बादलों के एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अग्रदूत होते हैं। ये अस्थिरता, आर्द्रता और तापमान ढाल जैसे कारकों को प्रभावित करते हैं। आमतौर पर ये बादल बहुत कम होते हैं, ये वर्षा बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन वर्षा असर वाले जो माहौल है उसको परिवर्तित करते हैं। परिवेश के तापमान के आधार पर क्यूमुलस बादल जो जल से उड़ने वाली वाष्प है या सुपर कूल्ड बूंदे हैं या बर्फ के क्रिस्टल हैं उनको क्रिएट कर लेते हैं और अलग अलग रूपों में अलग अलग ये परिवर्तित होकर पृथ्वी को कभी कभी ठंडक। इस पीरियड में जो बात की गई नौतपा पीरियड के बारे में, उसमें ये भी चेतावनी जारी की गई कि कारों, यदि आप अपने वाहन इस्तेमाल करते हैं कार या वाहन, उनमें से गैस से संबंधित सारी सामग्री, लाइटर, बहुत ज्यादा पेय पदार्थ जो कार्बोनेटेड होते हैं, इत्र या फिर फालतू की बैटरियां, उन्हें हटा दें। खिड़कियों को बिल्कुल बंद करके ना रखें, पूरा फ्यूल टैंक ना भरें। और यदि आपको कार में ईंधन भरवाना है तो या तो अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर शाम के समय करें। कार में यात्रा भी आप शाम के समय ही करें और दिन में यात्रा करने से बचें। कार के टायरों का तापमान भी आप नियंत्रित रखें, खासकर यात्रा के दौरान। एक मुख्य बात जो उन्होंने बताई वो ये थी कि बिच्छू और सांपों से इन दिनों सावधान रहें, क्योंकि वो अपने बिलों से बाहर निकलेंगे और ठंडी जगह की तलाश में पार्क या घरों में आपके में प्रवेश कर सकते हैं। पानी खूब पिए और तरल पदार्थ भी आप खूब भरें, कि जिससे कि पेट आपका भरा। लू के बारे में भी कहा जाता है कि लू से बचने के लिए आपका पेट में जो तरल पदार्थ पूरे रहने चाहिए। ये भी कहा गया कि गैस के सिलेंडर्स यदि आप यूज करते हैं तो उनको गैस से और सिलेंडर से दूर रखें या ऐसी स्थान पर रखें जहां पर आग की संभावना कम हो या फिर भी डायरेक्ट उसके ऊपर हीट ना। सूरज की रोशनी में संभवतः दिन में 11-12 बजे के बाद लेकर और 4-5 बजे के बीच में जाने से बचें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उन्होंने ये बात कही कि ये जो जानकारी दी जा रही है इसको आप आपस में भी साझा करें, क्योंकि हो सकता है हर एक कोई इस बात को ना पढ़ पाए। अब आते हैं आज के विषय पर। नौतपा, नौतपा 9 दिनों की वो अवधि है जब गर्मी अपने चरम सीमा पर होती है। इसे नवताप के नाम से भी जाना जाता है और ये 9 दिन ये माना जाता है कि साल के सबसे गर्म 9 दिन। दिल्ली एनसीआर की बात करें यदि हम, तो इन 9 दिनों में तापमान 46-47 डिग्री तक पहुंचने की संभावना व्यक्त की गई है। ज्येष्ठ मास चल रहा है, ज्येष्ठ मास में जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तब से नौतपा का समय आरंभ हो। ऐसे में जो सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं, तेज किरणें हैं, वो धरती को तपाती। इस वर्ष ये नौतपा का पीरियड 24 मई से लेकर 2 जून तक के बीच में रहने वाला है। यानी ये 9 दिन सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ेंगी और इस दौरान या इस पीरियड में लोगों को मसालेदार और तली भुनी चीजों को भी अवॉइड करना चाहिए और बासी खाना तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये मान्यताएं हैं कि इस दौरान आपके किए गए कार्यों का फल जरूर मिलता है।
और कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिनको करने से आपको पुण्य का लाभ मिलेगा, और कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिनसे आप पाप से भी भागी हो सकते। सबसे पहली जो काम है वो है इन दिनों मन पौधे पौधारोपण पर आपको बहुत जोर देना चाहिए। कई धर्माचार्य भी ये मानते हैं कि नवदा के दौरान यदि बारिश हो जाए तो उससे अच्छी बारिश ना होने का ये संकेत हो जाता है, और यदि इन 9 दिनों में पृथ्वी तपती है तो ये आने वाले समय में अच्छी बारिश का जो है संभावनाओं को पुष्ट कर देती है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव जितने दिन तक रोहिणी नक्षत्र में रहते हैं उतने दिन धरती पर भीषण और प्रचंड गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूर्यदेव के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही चंद्रमा का प्रभाव कम हो जाता है, और चंद्रमा आप जानते हैं सब शीतलता के कारक माने जाते हैं। तो इस साल जो 25 मई से 2 जून का समय है वो एग्जैक्टली यदि माने तो 24 मई की रात्रि मध्य रात्रि को करीब 3:16 पर सूर्य देव ने रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया, और इस तरह से 25 तारीख से नौतपा की शुरुआत हो गई, और हम देख भी रहे हैं 25, 26, 27 और 28 आज चौथा दिन है कि हम भीषण गर्मी भी को झेल रहे हैं। हिंदू धर्म में नौतपा का विशेष महत्व बनाया बताया गया है, और संभवतः हमारे आर्यन पांडे साहब हमारे बीच में हैं, वो इस बात से अवश्य ही अवगत होंगे कि नौ तपा अगर ना तपे तो क्या हो सकता है, क्या होता है। तो उसके बारे में 2 लाइनें कही गई थी, दो मूसा दो कातरा दो तीड़ी दो ताय, दो मूसा दो कातरा दो तीड़ी दो ताय, दो की बादी जल हरे दो विश्वर दो वाय। मतलब दो मूसा, नौ तपा के यदि पहले 2 दिन लू ना चले तो पृथ्वी पर चूहों का आतंक हो जाएगा, चूहे इतने हो जाएंगे कि आदमी परेशान हो जाएगा। दो कातरा, अगले 2 दिन तक यदि लू ना चले तो कातरा मतलब ये फसलों को जो नुकसान पहुंचा है, कातर आदि वो जो है कीट पतंगे वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे और उससे परेशानी होगी। दो तीड़ी, तीसरे दिन से यदि लू नहीं चलती है तो टिड्डियों के अंडे नष्ट नहीं होंगे, और टिड्डियों का आतंक इतना हो जाएगा कि वो टिड्डी या फसलों के पूरे खेतों को चट कर जाएगी। दो ताए, चौथे दिन से 2 दिन यदि तक यदि ये नहीं तपता है तो बुखार को लाने वाले विषाणु, जो जीवाणु जो विषाणु बुखार को लाते हैं जिनके कारण हमको ज्वर होता है, वो नष्ट नहीं होते यदि चौथे दिन से 2 दिन तक नहीं तपता है। तो यदि ये नहीं जीवाणु नष्ट होंगे तो हम मतलब बुखार से लोगों की हालत बहुत खराब है। इसके बाद के 2 दिन यदि लू नहीं चले तो विश्वर यानी कि सांप बिच्छू नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे और वो जनमानस को बहुत परेशान करेंगे, और आखिर के 2 दिन जो अंतिम 2 दिन है यदि लू नहीं चले तो आंधियां अधिक चलेंगी, और वो आंधियां और जो तूफान है वो सारे फसलों को चौपट कर देंगे। तो इस प्रकार ये जो पुरानी वो है, दो मूसा दो कातरा दो तीड़ी दो ताए, दो की बादी जलहर है दो विश्वर दो वाय। तो अब इन सब चीजों के प्रभाव अब जो हैं वो ये हैं। तो इनमें इन सब चीजों के अलावा नौतपा के 9 दिनों में हमें क्या करना चाहिए इस बारे में भी कुछ कहा गया है। नौतपा के में तेज गर्मी होती है, इन दिनों सूर्यदेव की आराधना करें, सुबह जल्दी उठकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें, क्योंकि नौतपा के दौरान सूर्य नारायण की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। नौतपा में ठंडी चीजों का सेवन करें, पानी छाछ दही नारियल पानी और नींबू का जो सेवन है वो लाभकारी है। जैसा कि अभी बताया और कहा कि नौतपा के दौरान सूर्यदेव अपनी प्रचंड मुद्रा, इसलिए इस वक्त सभी को निश्चित रूप से आराधना करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके परिवार के सभी लोग इस भीषण गर्मी के दौरान भी स्वस्थ रहेंगे। सूर्य की पूजा से जुड़े उपाय करने से आपके जीवन में लाभ आएगा, सुख समृद्धि आएगी, और इस दौरान जल दही दूध और आदि का जो सेवन करना चाहिए
ना केवल सेवन करना चाहिए बल्कि जल दूध दही नारियल पानी आदि ठंडे पदार्थों का दान भी करना चाहिए, और इस दान से आपको निश्चित रूप से लाभ भी होगा, आप शारीरिक भी लाभ होगा, आर्थिक भी लाभ होगा, मानसिक भी लाभ होगा। अब कुछ बातें ऐसी कहेंगे कि 9 दिनों में क्या नहीं करना चाहिए, नौ तपादी। सबसे पहली बात, बिना किसी काम के खामखा बाहर घर से नहीं निकलना चाहिए, विशेषकर बच्चों को बाहर जाने से रोकें, क्योंकि नौ तपा के जो भीषण गर्मी है यदि उसकी चपेट में वो आ गए या लपेटे में आ गए तो उनके लिए बहुत दिक्कत वाला रहेगा और वो दिक्कत हो जाएगी। अगर आपके दरवाजे पर इन दिनों में कोई मांगने वाला आता है, कोई साधु भिक्षुक आता है, तो उसको खाली हाथ ना जाने दें, उसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ जरूर दें, और यदि हो सके तो उसे जलपान अवश्य करा दें। लेकिन साथ के साथ नौतपा के दौरान लू से भयभीत भी ना हो, उसे डरे ना, क्योंकि नौतपा का ये लू का जो पीरियड चल रहा है ये भयभीत होने का नहीं बल्कि ये हमारी समृद्धि के लिए भी अच्छा। जहां तक किसानों के बारे में कहा जाता है, उनका यह कहना है कि इस दौरान किसानों को खेतों में गहरी जोताई कर देने की सलाह दी जाती है, किसान गहरी जोताई, क्योंकि इससे होता क्या है कि जो किसानों का खर्च है वो बच जाता है और पैदावार भी अच्छी हो जाती है। नौतपा की भीषण गर्मी पड़ने से जो चूहे कीट पतंग अंडे जो जहरीले जंतु हैं उनके अंडे समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि ये इससे पहले का जो काल है वो सब उनका प्रजनन काल होता है। तो कहीं ना कहीं नौतपा किसानों के लिए एक वरदान है। जब नौतपा की गर्मी से कीट पतंगे टिड्डी अंडे कातर और ये इस तरह की चीजें खत्म हो जाएंगे तो आगामी जो फसल होगी किसानों की उसके जो उपचार है उस पर उनको कम खर्चा करना पड़ेगा और साथ ही किसानों की पैदावार भी अच्छी हो जाएगी। आप जानते हैं कि रबी की जो गेहूं जो सरसों आदि की फसल की कटाई मई जून में समाप्त हो जाती है और खरीफ की फसल की बुआई इसके बाद शुरू हो जाती है, तो उस टाइम जो गहरी जुताई करने के बाद जो पहली वाली फसल के अवशेष हैं वो खेत में मिला दिए जाते हैं, जिससे कि उनकी जो कार्बनिक पदार्थ है वो बढ़ जाएंगे और हानिकारक की नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ जो खरपतवार और उसके जो आलतू फालतू के बीज होते हैं वो भी इसमें समाप्त हो जाते हैं और मिट्टी जनरली बड़ी अच्छी हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है। और अब इसके बाद जब जल बारिश का जल होता है वो अच्छी तरह से उसमें प्रवेश कर जाता है, और जब वो जल प्रवेश अच्छी तरह कर जाएगा तो इससे खेतों में लंबे समय तक नमी बनी रहती है और फसलों को अधिक जो सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। ये इस समय के जो गहरी खेती की जो फसल में जो हमने जुताई है वो अल्टीमेटली जो अगली फसल के लिए हमारे लिए बहुत अच्छी कारगर रहती है, और इससे किसानों को जो बाजरा या दलहन का जो उत्पादन है वो अपने आप बढ़ जाता है। क्योंकि ये पिछले दिनों एक रिपोर्ट अभी पिछले दिनों को इससे शायद परसों के अखबार में थी या कल के अखबार में मैंने पढ़ी कि कृषि वैज्ञानिकों ने माना कि मई जून में जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो सामान्यतया फसलों की पैदावार अच्छी होती है। जहां एक तरफ अंधड़ या इस तरह की आंधियां इस समय की आंधियां परेशानी का सबब बनती है, वहीं अंधड़ के साथ साथ कई इलाकों में जो आसपास के जो वातावरण में फैली हुई उपजाऊ कण है वो भी आकर मिट्टी के खेतों में मिल जाते हैं और इससे जो फसल है उनको बहुत अच्छा फायदा होता है। जैसा कि मैंने बताया कि हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से नौतपा के 9 दिनों में धान्य पुण्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में दान पुण्य करने वाला व्यक्ति अपनी दान पुण्य से और अपने कार्यकलापों से आने वाले अपने समय को और या अपनी कहें तो किस्मत को भी चमका सकता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको देखना पड़ेगा कि इस दौरान पेड़ पौधे लगाने से आपको अच्छा फल मिलता है। धार्मिक ग्रंथों में
इस समय में वृक्षारोपण को का बहुत महत्व बताया गया, खासकर नवतपा के दिनों में पेड़ पौधे लगाना बहुत पुण्यदायी माना जाता है, और ऐसा करने से व्यक्ति के ग्रह दोष भी शांत हो जाते हैं, पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। और धार्मिक ग्रंथों के उल्लेख के अनुसार कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनको लगाने से, इस पीरियड में लगाने से धन दौलत के साथ साथ आपके सौभाग्य की भी वृद्धि होती है। बढ़ती गर्मी मनुष्यों के लिए तो ऐसी नहीं है, हो ही जाती है, प्रकृति पर भी प्राकृतिक चीजों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए शास्त्रों में इस दौरान पेड़ पौधे लगाने और उनकी सिंचाई का महत्व भी बताया गया। केवल पेड़ पौधे लगाने ही नहीं आवश्यक, नौतपा के दिनों में जब पृथ्वी बहुत तपती है तो उस समय आप यदि पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं, उनकी जलाई सिंचाई और वो करते हैं, तो उससे भी आपको बहुत लाभ होता है। साथ ही जीवन काल में आपके पेड़ पौधे लगाने से मरने के बाद ये माना जाता है कि आपको नरक का मुंह भी नहीं देखना पड़ता है। तो चलिए इस बीच ये भी जान लेते हैं कि नौतपा के इन 9 दिनों में वो कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको लगाने से हमको लाभ होता है। नौतपा के दिनों में जो सबसे अधिक श्रेयस्कर पौधा है वो है तुलसी। आप जानते हैं तुलसी का पौधा हर घर में जरूर होता है और तुलसी का पूजन भी हम करते हैं, क्योंकि ये मान्यता मानी जाती है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और जहां नियमित रूप से उसको जल दिया जाता है या उसकी पूजन किया जाता है, वहां माँ लक्ष्मी का वास रहता है। अब जहां माँ लक्ष्मी का वास रहेगा, वहां हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवन में हर व्यक्ति को प्रसन्नता भी रहेगी, और इसी प्रसन्नता के साथ साथ हम न केवल अपना जीवन अच्छा व्यतीत करेंगे बल्कि मरणोपरांत भी हमें कुछ ना कुछ अपने अच्छी प्राप्ति होगी। केला, केले का पौधा भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का प्रिय पौधा माना जाता है, और इस दौरान नौतपा के दौरान यदि आप केले के पौधे लगाते हैं या केले के पौधे का पोषण करते हैं या केले के पौधे का पूजन करते हैं या केले के पौधे को नियमित रूप से जल देते हैं, तो न केवल इससे आपकी को मानसिक शांति मिलेगी, आर्थिक लाभ होगा, बल्कि आपको जो वातावरण केले के पौधे से शुद्ध होता है उसका भी आपको फायदा मिलेगा। एक और पौधा जो इस समय शीतलता देता है वो है आंवले का पौधा। कहा जाता है कि 9 तपा के दिनों में यदि आप आंवले की जड़ में, माना जाता है भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए यदि आंवले के पौधे को या आंवले के पेड़ को या आंवले के वृक्ष को, आप आंवले के फल चाहे उस पर हो या ना, यदि उस पर आप नित्य प्रति उसको जल से सिंचित करते हैं, तो उस पर जल देते हैं, तो इससे भी आपके जीवन में खुशहाली आएगी। और न केवल इससे वातावरण बल्कि जो नौतपा की जो तपन है वो भी कम हो जाए। आम, इसके बाद कहा जाता है कि आम का पेड़ भी लगाने से नौतपा के दिनों में यदि आप आम का पेड़ लगाते हैं तो इससे भी आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। इससे आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का भी विकास होता है, और यदि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का विकास होगा या सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी तो निश्चित रूप से आपका जीवन भी उत्तर उत्तर विकास की तरफ रहेगा। करी पत्ता, एक और पत्ता आजकल आप देखते हैं कड़ी पत्ता के, जिसे कहते हैं, जिसे मीठा नीम भी कहा जाता है। इन दिनों कड़ी पत्ते का जो छोटा सा पौधा होता है उसको लगाना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि कड़ी पत्ता की जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर औषधीय गुण मात्र है। और अगर आप घर पर नीम का पौधा नहीं लगा सकते, कुछ व्यवस्थाएं होती है, नीम का पौधा जनरली आप कड़ी पत्ते का पौधा आप किसी गमले में भी लगा सकते हैं, तो यदि आप कड़ी पत्ते का पौधा लगा सकते हैं तो ये आपके जीवन में अच्छा ऊर्जा देगा और आपका जीवन व्यवस्थित हो जाए।
और एक और पेड़ बताया जाता है जी, पीपल का पेड़। कहते हैं कि पीपल का पेड़ यदि आप लगाएं या ना लगाएं, यदि आप पीपल का पेड़ आज समझते हैं हर आसपास के इलाकों में खुली जगह में मिलते हैं, हिंदू धर्म में पीपल को पूजना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में भी भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और अनेक देवताओं का वास होता है। इसलिए पीपल के पेड़ की पूजा करने से, या पीपल के पेड़ को नियमित रूप से जल देने से, या पीपल के पेड़ के समीप दीपक जलाने से, न केवल आपको पुण्य प्राप्त होगा बल्कि आपके पितरों का भी आशीर्वाद आपको मिलता है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में यह कहा जाता है, जो व्यक्ति नवतपा में पीपल का पेड़ लगाता है उसे अपने पूर्वजों का आशीर्वाद निरंतर प्राप्त होता है। नवतपा के दौरान पीपल का पेड़ लगाने से जो सूर्य से मिलने वाले कष्टों से राहत आपको मिलेगी, क्योंकि पीपल का पेड़ सूर्य ग्रह को शांत करने में सबसे अधिक मददगार माना जाता है। इस पेड़ को लगाने से यदि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति या नकारात्मक प्रभाव है तो वो प्रभाव भी आपके दूर हो जाएंगे, और जो नकारात्मक प्रभाव आपका सूर्य का आपके जीवन पर चल रहा है, जीवन पर आपके पड़ रहा है, वो सब इस नवतपा के पीरियड में पीपल की आराधना करने से, या पीपल का पेड़ लगाने से, या पीपल के पेड़ को जल देने से, या पीपल की आराधना करने से, उनका दीपक जलाने से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पीपल के पेड़ लगाने से सभी देवी देवता आपको प्रसन्न हो जाएंगे। ये भी कहा जाता है कि एक पौधा था शमी का पेड़, शमी का पेड़ भी बहुत धार्मिक और पुण्यकारी माना जाता है। नौतमा में यदि आप शमी का पेड़ लगाए, आजकल हर आप नर्सरी पे जाए वहां पर आपको शमी का पेड़ मिल जाएगा, तो शमी का पेड़ भी यदि आप लगाते हैं तो वैसे तो सनातन धर्म में इसको बहुत शमी का पौधा बहुत पुण्यकारी माना जाता है, लेकिन यदि इस पौधे को लगाते हैं तो कहा जाता है कि ये शनि ग्रह का जो है कारण, जो भी आपके दिक्कतें हैं वो उनको दूर कर देता है। जो भी व्यक्ति शमी के पौधे को लगाता है या उसकी पूजन करता है या उसको नित्य प्रतिदिन जल देता है तो उसको शनि के अशुभ प्रभावों से भी राहत मिलती है, और इसके साथ साथ सूर्य के भी, सूर्य पुत्र शनिदेव माने जाते हैं, उनकी उसकी स्थिति भी अच्छी हो जाती है। इस सब के अलावा जो शमी के पत्तों को धन का प्रतीक भी माना जाता है, और शमी का पौधा भगवान शिव को बेहद प्रिय माना जाता है, ऐसे में आप धन दौलत और शिव के अति प्रिय हो जाएंगे तो निश्चित रूप से नौतपा में आप इन सब चीजों का अधिक महत्व प्राप्त करेंगे और इनसे आपके जीवन और ऊर्जा में निरंतर संचार होगा। तो शमी का पौधा जरूर आपको लगाना चाहिए, क्योंकि इससे देवाधिदेव महादेव के कृपा पर बने। अब तुलसी का पौधा आप देखिए, जैसे कि माना जाता है, इसमें विशेष रूप से अभी बताया गया था कि तुलसी का पौधा इन दिनों में लगाने से आपके जीवन में आ रही आर्थिक समस्याएं जो है वो काफी हद तक दूर हो जाए, क्योंकि तुलसी की आराधना, तुलसी का नित्य सेवन, और विशेष रूप से तुलसी का आप देव पुराने जमाने लोग कहते तुलसी की चाय पीजिए, तो नौतपा में जो ताप आपके शरीर में बढ़ जाता है उसको शांत करने के लिए तुलसी का ये पौधा और ये सारी बातें आपको बहुत बहुत अधिक लाभकारी देंगी। पुराणों से लेकर स्मृतियों तक सभी में आप देखिए वृक्षारोपण के पुण्य फल के बारे में बताया गया, और साथ में ये भी बताया गया है कि केवल वृक्षारोपण कर, सपोज आपने कहीं अपने आसपास पार्क में वृक्षारोपण कर दिया और आपने उसके बाद उसकी देखभाल नहीं की तो नौतपा के दिनों में जब पृथ्वी भी तपेगी और भीषण गर्मी पड़ेगी तो उस समय आपको उसको नित्य प्रति जाकर उसकी की सिंचाई भी करें और उसकी देखभाल भी करें, क्योंकि इस पेड़ पौधे लगाने अधिक श्रेयस्कर होते हैं, क्योंकि इस इन 10-12-15 दिनों के बाद बरसात का मौसम शुरू होने वाला होता है, और यदि पेड़ अच्छी तरह उसको अपनी मिट्टी या उसकी जड़ें जम गई तो बाद में जो अच्छी बारिश होती है उसमें उसको फलने फूलने में बहुत अच्छी मदद मिलती है। तो वृक्षारोपण करने से या इस समय में
वृक्षारोपण करने से बहुत हद आपको लाभ होता है। तो नौ तपा के ये जो नौ दिन है, इनमें यदि आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो आप न केवल अपने शरीर शारीरिक स्थिति को, मानसिक स्थिति को, बल्कि आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ कर सकते हैं और पारिवारिक जीवन भी आपका ठीक चल सकता है। क्योंकि आप जानते हैं वृक्षारोपण के बारे में अनेक अनेक कहा ही गया है कि मनुस्मृति में तो कहा गया कि पेड़ पौधे लगाने से यज्ञ जैसा जो पुण्य का पुण्य मिलता है, और वृक्षारोपण को एक तरह से संतानोत्पत्ति का कारक माना जाता है। पद्म पुराण में बताया गया कि यदि दंपत्ति को संतान नहीं है तो उन्हें पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ भी संतान के समान ही होते हैं, और यदि आप पेड़ लगाकर पेड़ों की नित्य प्रति उनको देखभाल करते हैं तो आपको संतान के समान होते हैं। विशेष बात जो पिछले दिनों एक पढ़ने को आई थी कि एक पीपल, एक नीम, एक बरगद, दो अनार, दो नारंगी, पांच आम और 10 फूलों के पेड़ लगाने थे। एक पीपल, एक नीम, एक बरगद, दो अनार, दो नारंगी, पांच आम और 10 फूलों के पेड़ लगाने थे, आदमी को नरक से मुक्ति मिल जाए। तो जब भी गर्मी की शुरुआत होती है या नौतपा की शुरुआत होती है, तो इन दोनों में यदि आप इन सब चीजों का धीरे से थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं तो ये सब चीजें जो आने वाले आपके जीवन के बहुत सारे दिक्कतें या दिक्कतात है उनसे आपको मुक्त कर देते हैं। अब देखिए आपके पास ऑल्टरनेट तो है नहीं, सूर्यदेव को तो आप शांत कर नहीं सकते। तो जब इन दिनों में नौ तपा के जो विशेष दिन है इनमें जब सूर्यदेव सबसे ज्यादा गर्मी प्रदान या सूर्यदेव की जब सबसे ज्यादा तपिश होती है, तो इन नौ दिनों में आपको कोशिश करनी चाहिए कि धर्म कर्म के अनुष्ठानों के प्रति थोड़ा सा जागरूकता बनाए, थोड़ी सी इन जो है स्थिति है इनको अपने जीवन में यदि आप फॉलो करेंगे तो आपके जीवन का भी सुधार होगा। क्योंकि पिछले दिनों भी किसी टीवी पे किसी उसमें मैं पढ़ रहा था कि जो 25 मई से 2 जून तक इस बार जो नवतपा है इसको बरसात का गर्भकाल भी कहा गया है। इन 9 दिनों के बीच में यदि अच्छी गर्मी पड़ेगी, बहुत तेज हवा नहीं चलेगी, कहीं बारिश नहीं होगी या बूंदाबांदी नहीं होगी, तो ना तो गर्भ खंडित होगा और ना ही गर्भ पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो नव तपा के जो 9 दिन है अगर सूर्य तपता रहेगा तो ये माना जाता है कि शास्त्रों में ऐसा विधान कहा गया है कि ये नव तपा का जो पीरियड है ये वर्षा का योग का पीरियड है। नव तपा में अगर बढ़िया गर्मी हो गई तो अगले 4 महीने अच्छी वर्षा होगी, अच्छी वर्षा होगी तो हमारी जो धारा है ये हरी भरी होगी, पृथ्वी हरी भरी होगी, अच्छी बारिश होगी तो फसलें अच्छी होंगी, और जब अच्छी फसलें होंगी तो किसान जो हमारा है वो धन धान्य से परिपूर्ण होगा, अच्छी फसल होगी। तो यदि नौ तपा का 9 दिन पूरी तरह तप गए तो जितने कीट पतंगे हैं उनका प्रकोप समाप्त हो जाएगा, यदि बीमारियां नहीं होंगी तो फसलों का जो उत्पादन है वो भी अच्छे होगा। तो नौतपा बहुत आवश्यक है। तो आप केवल नौतपा के बारे में उल्टा सीधा ना सोच के यदि स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जीवन और धर्म कार्यों में के प्रति जागरूक रहे तो ये नौतपा आपके लिए ना कोई मतलब बहुत ज्यादा टेंशन वाला चीज नहीं होगी। पर हाँ, ये नौतपा का जो तरह से वो पीरियड बताया गया है उसमें आपको कुछ ना कुछ तो व्यवधान आएंगे, कुछ ना कुछ आपको सबसे बड़ा उसके लिए आपके लिए बेस्ट चीज यही रहेगी कि आप 9 दिनों को आराम से घर में बैठ के काटे, और जैसे कि वो पहले कहेगा तो 2 मूसा 2 कातरा 2 टीढ़ी होता है, पहले 2 दिनों को लू को चलने दे, जब ये लू चलती रहेगी तो जो बहुत अधिक चूहे हैं वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यदि लू नहीं चली तो चूहों का प्रकोप बढ़ जाएगा और उससे हमें दिक्कत होगी।
उसके बाद ये दो कातरा अगले 2 दिन यदि लू नहीं चलती है तो फसलों को जो परेशान करने वाले कीट पतंगे हैं वो इतने अधिक हो जाएंगे कि हम उन पर किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, और यदि नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो फसलों की जो है ना तो क्वालिटी अच्छी होगी ना क्वांटिटी अच्छी होगी, और इस कारण जो अन्नदाता है वो भी परेशान रहेगा, अन्नदाता परेशान होगा तो हम भी परेशान होंगे, हर तरह की आर्थिक, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए नौतपा न केवल हमें अन्य रूपों में बल्कि किसान के लिए तो बहुत ही अधिक आवश्यक है। 2 तीड़ी यदि 30 दिन के बाद 2 दिन लू नहीं चलती है तो जो आप अभी आप देखते हैं पिछले 3-4 साल पहले आप देखते हैं राजस्थान में और मध्य प्रदेश में टिड्डियों के दलों ने कितना उत्पात मचाया था, तो यदि ये लू नहीं चलती है या भयंकर गर्मी नहीं पड़ती है तो टिड्डियों के अंडे नष्ट नहीं होंगे, और टिड्डियों के अंडे यदि नष्ट नहीं होते हैं तो उसके बाद तो फिर उनका आतंक जो है वो झेलने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। 4थे दिन से यदि नहीं तपता है तो आप देखिए ना, प्रकृति में ही, ये बहुत पुरानी कहावत है लेकिन प्रकृति के अंदर ही ऐसे विषाणु ऐसे जीवाणु होते हैं जो आपको ज्वरग्रस्त कर देते हैं, और इन ज्वरग्रस्त करने वाले जीवाणुओं को यदि आप इस ताप के कारण नष्ट नहीं कर पाएंगे या जो इस ताप से नष्ट नहीं होंगे तो आप ये तय मानिए कि आप जो ज्वर का प्रकोप इतना अधिक बढ़ेगा कि बहुत ज्यादा परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। इसके बाद के जो 2 दिन है उसमें ईश्वरयारी के सांप बिच्छू इतने नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे कि वो बिल्कुल, यदि सांप और बिच्छू के अंडे नहीं मरेंगे या उनके जो है वो विषाणु जीवाणु जो है या उनके जो अंश है वो समाप्त नहीं होंगे तो वो आपको घर घर में बाहर बाहर घूमेंगे फिरेंगे और आपको उनका जो प्रकोप है वो झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और उसके बाद जो अंतिम कही गई थी कि यदि आखिरी 2 दिन भी आंधियां जो हैं वो लू यदि नहीं चलेगी तो फिर अंधड़ नहीं आएंगे, अंधड़ नहीं आएंगे तो फिर जो इसका प्रकोप है जो आसपास का जो वनस्पतियां हैं जिन्हें आंधियां लेकर आती हैं और खेतों में बिखरा देती हैं तो ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। तो अब इसमें ज्यादा बोलने के लिए कुछ रहा नहीं है तो इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि आप इसको विराम करते हैं, और ये मैं जरूर चाहूंगा कि ये जो नौतपा का तीर्थ है ये हमारे लिए आपके लिए और सभी के लिए श्रेयस्कर है, इसको कोई हैवी ना बनाए, इसके बारे में हम कोई बहुत ज्यादा ऐसा ना सोचे कि अभी ये नाम तो बस लू चल रही है तो हम तो तबाह हो गए या कुछ भी हो गए, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो हो सकता है हमें कुछ दिन के लिए, 9 दिन का पीरियड है, इस पीरियड में यदि हम थोड़ा बहुत अपनी आपको व्यवस्थित करके या अपने जीवन को या अपने घर को अपने कार्यों में अपने आप को इतना घर में ही सीमित कर लें या घर से निकले तो व्यवस्था करके निकले तो हमें निश्चित रूप से कोई विशेष काम नहीं होगा, स्वस्थ रहे मस्त रहे और जीवन के धर्म हर कार्य में धर्म कार्य में विशेष रूप से व्यस्त रहे। इन्हीं सब बातों के साथ आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय वकील शर्मा जी, सदा की भांति आपका हर विषय पे पूरा अधिकार है। आज सुबह चर्चा हो रही थी कि ये विषय लिया जाए तो आपने उस पर पूरी PhD कर रखी है, यानी कोई एंगल छोड़ा नहीं, सभी लोग अनम्यूट हैं। फिर बाद में आदरणीय नायब साहब हमारे तो सब बोलेंगे। बाकी जी, जो इसमें एक दो तीन चीजें हैं, क्या इसमें विज्ञान और ज्योतिष दोनों अलग अलग नहीं है? क्योंकि तो काफी चीजें ज्योतिष से संबंधित इसमें ज्यादा है। सर नौ तपा के बारे में ज्योतिष ने जो जो कहा है, अब देखिए सर मैं कह रहा हूं, देखिए वैसे तो इस सब मामलों में हमारे बीच में पांडे साहब बैठे हुए हैं, कोई जो है ना अल्टी फाइनल अथॉरिटी है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप पौधा लगाएं पीपल का पेड़ लगाएं, निश्चित रूप से आप देखिए यदि आप पीपल आस पास के आपके पीपल नीम या फिर ये शमी आदि के पौधे बढ़िया लगेंगे तो आप कितनी भी भीषण गर्मी पड़े आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह यदि आप नौतपा के दिनों में या किसी भी समय में ज्योतिष के अनुसार भी यदि पर्टिकुलर जो ग्रह हैं नहीं, ज्योतिष नहीं उनको है ये एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष नहीं है, एस्ट्रोलॉजी है।
जी, एस्ट्रोलॉजी भी है, एस्ट्रोनॉमी भी है, दोनों ही है सर। एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोनॉमी है हाँ जी, एस्ट्रोनॉमी है ये सर। तो ये सब चीजें वास्तव में ये। वागे जी जो इन्होंने लाइफ। अभी प्रश्न किया, ये ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी अलग अलग है क्या? हाँ, सर बिल्कुल है। अब आप एक तो एक ज्योतिष, एक जनरल, एक वाइड टर्म है, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, न्यूमरोलॉजी, और बहुत सारे इसके स्पेयर थे जो स्पेशलाइजेशन, मतलब बीए में तो आपके पास चार पांच सब्जेक्ट होते हैं, एमए तो आप एक ही सब्जेक्ट में करेंगे ना। तो वास्तव में ये बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी बताई। मैं भी जब इसे देख रहा था, मैंने अभी कल परसों एक कहीं से पढ़ा था, उसके आधार पर मैंने एक पोस्ट डाली थी, उसके आधार ये मैंने तो नौ तपा के बारे में एक छोटा सा एक वो लिख दिया था। ये पिताजी हमारे सुना रहे थे, भैया नौ तपा में ये होना चाहिए, जो जो दो लाइनें थी वो, दो भूसा दो कातरा, वो ही बता रहे थे उस समय के हिसाब से। उसी के अनुसार मैंने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। तो इस सब का इम्पैक्ट ये पड़ा कि क्वेरीज बहुत आई। आज मेरा कुछ और था, मैंने जब सुबह अरविंद भाई साहब का फोन आया, बोले अरे नौ तपा के तुमने क्या लिखा था, ये इसी के ऊपर बोल दो आज। चलिए ठीक है। तो ये सब चीजें सर, अच्छा ये सब देखिए कितनी पुरानी बातें हैं, देवऋषि देखे ना ये बातें कितनी है, कि नौ जो बात कही गई है कि यदि लू नहीं नहीं, चलेगी तो चूहे। और जो आप कह रहे हैं भाई साहब, जैसे मैं से सब कुछ वही कर रहा हूँ जो आप बोल रहे हो, तो बड़ा आनंद आ रहा है ना। 8-9 हम रोज मॉर्निंग वॉकर्स मिलते हैं, पसीना आता है, कात्री पढ़ते हैं, सब ताली मारते हैं, आपका आनंद करते हैं, बिल्कुल कोई बिल्कुल, दुखी नहीं है। नहीं बोले नहीं बड़ा कोई नहीं आनंद आ भाई, रहा है यार, पसीना आ रहा है, और क्या चाहिए। मन प्रसन्न है और सात्विकता है, मन में विचार शुद्ध है, तो कोई आपत्ति नहीं है। और पेड़ पौधे तो हम लगाते ही है, रोज मैं पानी देता हूँ, पार्क में जाता हूँ, सुबह पानी दे के आता हूँ सब पौधों को। आप सर आप तो तो छत ये अपनी अपनी छत पे भी देते हो, पार्क में भी देते हो, आप तो सब हाँ जगह बाहर भी पानी देता पानी। हूँ। हाँ बिल्कुल हाँ। और नए पौधे लगाए भी है पिछले हफ्ते में, 4 दिन पहले और भी नए लगाए हैं। तो भाई चांस अपने आप ही हो रहा है, मुझे पता नहीं था ये सब होना है, लेकिन ये स्वभाव के मुताबिक ही हो रहा है, प्रभु की कृपा के मुताबिक ही हो रहा है। देवऋषि जी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पौधे लगाने इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पौधों का फिर देखभाल करना है, जितना पानी देखभाल करना देना है। पानी देना पानी आप देना देखो अभी अभी ना आगे कुछ दिनों में आप देखिए पौधे लगाने की ड्राइव चलेगी, कि जी आएगा जी मैंने 100 पौधे लगाए मैंने, अरे वो भैया तो मैंने सर्वाइवल ही सौ नहीं है, सर्वाइवल बचाए कितने उसमें से फिर। ही नहीं है, सर्वाइवल ही नहीं। बिल्कुल बाकी यार जी बिल्कुल सही है, पानी हर कोई नहीं पिला सकता, पानी जी, पानी बहुत जरूरी है सर उनका देना। और नई पाइप लगवाई मैंने पिछले हफ्ते। बाकी जी एक चीज होता है, जैसे आपने जो घरों में कभी कभी तुलसी उसका पीपल का पेड़ या बरगद का जो होता है ना, वो उगाते हैं, वो डैमेज करते हैं मकान को। तो हमारे हिंदू शास्त्र के अकॉर्डिंगली काफी लोग डरते हैं इसको, कि हम नहीं काटेंगे साहब, तो हम नहीं यूज करेंगे। मेरी मेरी छत पे तो तीन चार हो रहे हैं पीपल के पेड़, कई साल से हो रहे हैं, क्योंकि पीपल का अकेला पेड़ है जो कभी भी बोया नहीं जाता पीपल को, वो तो अपने आप वो जो ऊपर जो उड़ने वाले पक्षी हैं उनकी बीट जहां गिर जाती है वहां पे पीपल होता है, ये तो जाना माना तथ्य है। वो किसी भी भाई गमले में हो साहब जाता है, अवेद वही हो वो उसमें हो जाता है सर, वो चलता रहता। हमने तो कभी ऐसा कुछ नहीं, सब भगवान का है, इसमें क्या दिक्कत है। कहते हैं पीपल ही अकेला पेड़ है जो ऑक्सीजन देता है, उससे क्या परेशान होना। पीपल और बड़का भी है, बड़का पूरा सीधा चल रहा है बिल्कुल, बड़का पेड़ हमारे यहाँ छत पे सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए, कई और कोई वर्षों से किसी की चल रहा है, जिज्ञासा दस हो तो दस फिर साल से। पूछिए, नहीं तो फिर नायब साहब को सब धन्यवाद कर देंगे। बाकी जी, ये जी आपने सर जो ग्रीष्म ऋतु के 9 दिनों का विवरण किया है, इसका महत्व तो बताया नहीं, पर हिंदू धर्म में क्या महत्व है वो तो एक्सप्लेन करो, मुझे समझ नहीं आया। सर मैं बताया ना कि ये 9 दिनों में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यही तो बताया सर हिंदू धर्म में। और क्या है, और देखिए आपको सूर्य की आराधना करें, आप सूर्य को जल देंगे, जल्दी उठेंगे, सूर्य सूर्यदेव की पूजा करेंगे, तो आपके व्यक्तिगत जीवन में निश्चित रूप से सुख समृद्धि आएगी। नौ जो ठंडी चीजें हैं, सूर्य को ताप देने वाली चीजें ऐसी ना खाएं, पानी, छाया, दही, नारियल पानी, नींबू का सेवन करें, क्योंकि इन दिनों में सूर्यदेव प्रचंड मुद्रा में होते हैं। और इसलिए यदि सब लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सूर्यदेव को यदि आप सर, इसके पीछे एक रीजन यही नहीं है, आप सुबह उठते ही सबसे पहले सूर्यदेव की आराधना करेंगे, इसका मतलब सूर्यदेव की जो ऊर्जा है या जो उनकी गर्मी है, आपने सुबह ही सुबह उसको थोड़ा ग्रस्त कर लिया। आप देखिए ना एडेंडम आपके ऊपर एकदम सीधा 45 डिग्री आए, इससे अच्छा है शुरू में आपके पास 35 डिग्री आ गया, फिर 40 आ गया, फिर 45 आ गया, तो आप तो झेल जाएंगे।
डायरेक्ट आप सुबह तो उठे नहीं, आप सीधे 10-11 बजे उठे और सीधे सूखे या एसी में से निकले गए, तो वो आप उसको नहीं झेल पाएंगे। इस दौरान भी आप देखिए, और साथ में ये भी कहा गया कि धर्म कर्म के नाम पे, कि इन दिनों में कोई भी आप आपके पास आए तो उसको आप जल जरूर पिलाएं। अब आप देखिए ना, अब आगे कुछ दिन बाद निर्जला एकादशी आ रही है, गंगा दशहरा आ रहा है, ये सब इन सब चीजों के पीछे है ना रीजन सर। गंगा दशहरा पे शरबत बटेगा, आम बटेंगे, खरबूजे बटेंगे, हाथ के पंखे बटेंगे, ये सब हिंदू माइथोलॉजी ही तो है जो सर इसे आगे ले जा रही है। और इन सब का बेस बनाने के लिए उन्होंने यही कहा है अल्टीमेटली कि 9 तपा के 9 दिनों को तपने दे, क्योंकि यदि ये नहीं तपेंगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। इनको तपने दे, इसके बाद आने वाला पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है, ये 9 दिन आपके लिए, अगले 90 दिन के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, ये बताया गया था। ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद। कुछ विचार बागी जी पांडे साहब के ले लीजिएगा, वो बहुत नहीं, पांडे साहब को तो विचार तो ये आज का था, उद्बोधन हो ही नहीं सकता, क्योंकि तो पांडे साहब के इसमें एक्सपर्ट कमेंट आएंगे, क्योंकि मुझे पता है इसमें यदि कहीं 1921 हो रहा होगा तो पांडे साहब ही पकड़ सकते हैं उस बात को। नहीं, मेरा तो अनुरोध यह है कि पांडे साहब से स्पेशल कमेंट्स के साथ साथ वही धन्यवाद भी कर दें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आज का। और अगर इसमें हिंदू धर्म के बारे में जैसे शेख साहब ने कहा है, इस बारे में बताया नहीं, अगर उनको इस बारे में विषय में कुछ पता हो तो वो बता दें, नहीं तो फिर पांडे जी उसको भी बता दें, उसी के बाद ही समाप्ति कर देंगे सर। धन्यवाद देखिए, पांडे जी साहब को जो बीच में इंटरफेरेंस नहीं करते, वो अपनी बात अलग देंगे, धन्यवाद आप ही दोगे। पांडे साहब कभी भी बीच में किसी को नहीं कहते, विशेष अधिकार हनन नहीं करते वो कभी किसी का। और ये रिंग मास्टर के वर्ड्स हैं, इसलिए जरा बी कॉशन। रविंद्र शर्मा जी ने बिल्कुल उचित कहा, जो नैब साहब का अधिकार है वो उन्हीं के पास रहना चाहिए। लेकिन आप लोगों की इतना अनुरोध रहता है, मैं सोच रहा था मैं क्या बोलूं। पहले तो श्री बागी शर्मा जी की प्रशंसा, जैसे मैं करता हूं हमेशा, आप करता हूं, कि कोई भी सरल से विषय पर जिस पर मटेरियल वैसे किताबों में भी उपलब्ध नहीं हो उसको विस्तार से कहना, ये आपकी एक विशेषता है। और शैली तो आपकी अच्छी है ही, और जैसे अरविंद शर्मा जी ने कहा, एक समसामयिक विषय ले लिया नौतपा, अगर कोई नहीं ज्यादा जानता तो यही कहेगा। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि एक तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं जहाँ सीजन होते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे जैसे अमेरिका में रह रहे हैं या यूरोप में रह रहे हैं, वहां सीजन ही नहीं है, तो वहां पर ये नौतपा वाला कोई मामला ही नहीं है, तो वहां के अपने हिसाब से मामला चलता है। हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हुए और हमारी भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर 6 ऋतुएं होती हैं, 3 तरह की अपनी सब सर्दी बरसात गर्मी सभी तरह की होती है, और सबका रोटेशन। और पुराने रिसर्चर्स ने, शोधकर्ताओं ने, चाहे वो ऋषि मुनि कहें, चाहे वो किसान कहें, चाहे और कोई भी कहें, उन्होंने अपने हिसाब से इस तरह से बनाया है कि भाई क्या होगा प्रकृति में तो उसका क्या लाभ होगा, और कृषि तो है ही मुख्य रूप से। और ये बात बिल्कुल सही, अखबार में जो आपने समाचार पत्र की उल्लेख किया, ये वर्षा का गर्भकाल है। नेचुरली जब गर्मी होगी तभी बरसात होगी, और अगर गर्मी नहीं पड़ेगी तो बरसात का कोई होने का अवसर कम हो जाता है। जैसे मानसून समुद्र के किनारे वाले इलाकों में जल्दी आ जाएगा, हमारे यहाँ धीरे धीरे बाद में आता है, तब तक यहाँ पर गर्मी खूब पड़ जाएगी। और जहां तक हिंदू धर्म की बात कही, सनातन धर्म की, तो हम सब जानते हैं कि ये सनातन धर्म बनाया ही इस तरह से है कि समाज और पूरा परिवार और भूगोल मतलब प्रकृति, इसमें संतुलन बना रहे, बस असली बात यह है। वृक्षारोपण का हर जगह उसे धर्म से जोड़ दिया कि वृक्षारोपण आप करेंगे तो आपको ये पुण्य लाभ मिले, क्योंकि प्रकृति का संरक्षण होना, किस किस सीजन में कौन कौन से वृक्ष कौन कौन से लाभकारी होते हैं वो करके हमें बता दिए, सब शास्त्रों में लिख दिए। उसका जो आप बता गए नौतपा वाली बात, क्योंकि वो ग्रहों से संबंधित है कि कौन सा सूर्य किस में जाएगा, कौन सा रोहिणी का नक्षत्र आएगा, क्या आएगा, तो वो पहले से कैलकुलेट किया हुआ है सारे का सारे। तो मैं तो यही समझता हूं कि प्रकृति का संवर्धन परिपोषण और हमारे समाज जितना भी परिपोषण हो वो प्रकृति से जुड़ा रहे, और हम प्रकृति को नुकसान न पहुंचाए, भगवान की जो संरचना है उसको संरक्षित करते हुए आगे बढ़ते रहें, हमें खेती भी मिलती रहे, और जब हम इसके साथ चलेंगे तो हमें प्रकृति जो है खूब मनमाना जितना भी हमको चाहिए उसे मिल जाएगा।
यही बात मैं कहना चाहता हूं, जो मेरी समझ में यही आया कि प्राकृतिक संतुलन बनाना जो आजकल खो गया है। आजकल जैसे सब लोग यही कह रहे हैं कि पौधा नहीं है, पेड़ नहीं है, कंक्रीट के जंगल में हम लोग कर, उसको ध्यान देना ही पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा तो उसका जो नुकसान है वो हम सब लोग उठा ही रहे, सब उठाते रहते। और जो दोहा आपने कहा वो तो सब, क्योंकि जंगल अब कम हो गए हैं, जहां जंगल ज्यादा है वहां तो निश्चितली ग्रामीण क्षेत्र में उसका सब प्रभाव देखते ही, उसका सभी। तो कुल मिला के प्रकृति जैसी भी है उसे स्वीकार करें, उसका कुछ नियम है बना हुआ, उसका उसमें लाभ ही ढूंढना चाहिए। जैसा बागेश जी ने बताया कि नौतपा का हमको लाभ ही देखना चाहिए, सकारात्मक देखना चाहिए। और गरीबी से बचने बचने का तो इसलिए कि भी हमें शरीर से नुकसान न हो, बीमारी से बचे, तो सावधानी बरतते हुए कुल मिला के आज बहुत ही अच्छा, एक छोटे से विषय पर बहुत अच्छे विचार बागेश जी ने दिए, इसके लिए बहुत ही बढ़िया लगा। बाकी तो नैब साहब बताएंगे इस बात को, धन्यवाद। अरे नेक्स्ट टाइम वैसे बाकी जी ये शब्द ना नौतपा मैंने इसी बार महसूस किया, मतलब नौतपा वो तो होगा पहले से मतलब, पर पहली बार मैंने नौतपा जो है वो पहली बार मतलब मेरे जहन में आया, मतलब क्योंकि एक नया शब्द था नौतपा। हाँ सर, यही मेन नैब साहब इतने जोर से हंस रहे हैं कि यही बताएंगे अब तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, मैं फंडा इसी में कहने जा रहा था कि इस बार सबको फंडा क्लियर नौतपा कर ज्यादा ही देंगे समझ में आ रहा, और इसकी ये सब सोशल मीडिया की देन सर। इस बार इतना ज्यादा व्हाट्सएप पे नौतपा नौतपा, इसका एक्सप्लेनेशन और इसका क्या होगा, क्या जरूरी क्या नहीं, इतना ज्यादा इस पे शोर मचा हुआ है। चाहे वो टीवी का देख ले, चाहे यूट्यूब पे देख ले, या व्हाट्सएप पे देख ले, इतने ज्यादा मैसेजेस और इसके ऊपर आर्टिकल आ रहे हैं कि सबको पता लग गया कि नौतपा होता है, जबकि हर साल होता है, हर ग्रीष्मकालीन में होता है। और इसको हम लोगों ने कोई नया नहीं, अब आप हम तो 64 साल के हो गए, ऐसा नहीं कि हमारे जीवन के 64वें साल में नौतपा आया हो, ये हमारे पैदा होने के पहले भी आता था और हमारे पैदा होने के बाद हर साल आता रहा, और हम लोग हर साल इसको बर्दाश्त करते थे। बस ये होता था बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी, आजकल बहुत गर्मी पड़ रही, बहुत उमस हो रही, इस तरह से लेके चलते थे। लेकिन उसको जब एक सोशल मीडिया में चीज उठी, और उठने के बाद जब सबकी संज्ञान में आई, तो हुआ कि क्यों ना इसके ऊपर कुछ एक विशेष क्लास कर ली जाए। और ये अरविंद शर्मा साहब का एक सुझाव था, और उसको बागी शर्मा साहब ने हमेशा की तरह पहले की तरह स्वीकार किया, और इसके ऊपर बड़ा अच्छा अपना पूरी डिटेल में उन्होंने उस चीज को बताया। वास्तव में जलवायु परिवर्तन की विभिन्न धाराएं हैं जो साल भर चलती रहती है, और जैसे पांडे जी ने बताया अपना देश इस मामले में, मैं तो कहूँ पूर्णतया विकसित है, हर तरह की ऋतु, हर तरह की जलवायु, हर तरह की चीज, और अपने देश के विभिन्न अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में तरह तरह की जलवायु पाई जाती है। अलग अलग शहरों में आप देखेंगे मतलब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर इस तरह पर जलवायु चल रही है, इस तरह यहाँ पे इस तरीके का मौसम चल रहा है। एक ही समय में अपने अलग अलग, जम्मू कश्मीर में आप देख लीजिए वहां का अलग है, आज की तारीख में आपको थोड़ा लोग भागते हैं उस तरफ जाने के लिए, ठंडे प्रदेश की तरफ। हालांकि अभी नैनीताल में भी सुन रहे थे कल 40-45 डिग्री तक का टेम्परेचर पहुंच गया। तो नौतपा के 9 दिन में ये जो जो एक साइंटिफिक चीज बताई बागेश जी ने कि इस वक्त सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ती है, और सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, जिसमें ये क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमको जीवन चलाना है, जीवन के तमाम बाधाएं हैं जीवन चलने में, जैसे उन्होंने बताया कि कीट पतंगे आ जाते हैं, पेड़ चूहे आ जाते हैं, ये सब तरह की चीजें हैं जो मानव के, जिसको कहा जाए कि एक हमारे जीवन के चालन में परेशानियां पैदा करते हैं, उन रोगों से दूर करने की चीजें, उन रोगों से बचाने के लिए इसका बहुत आवश्यकता है। और जब कोई कहते हैं ना, जैसे जब आईसीयू में कोई आदमी पड़ा होता है तो बाकी लोग थोड़ा वहां मिलने कम जाते हैं, ऐसे जब नौतपा चल रहा है, पूरा ट्रांजिशनल पीरियड चल रहा है जलवायु का, ऐसे में हम लोगों को थोड़ा आईसीयू से दूर रहना चाहिए, यानी कि हमको घर से बाहर नहीं निकलना, घर के अंदर बैठे रहिए, शांति से बैठकर आनंद लीजिए कि प्रकृति किस तरीके से हमारे बचाव के लिए अपना कर्तव्य निभा रही है, और उसके प्रति हमको अपने कर्तव्य निभाने की, अपना बचाव करते रहना और प्रकृति का साथ देना, और इन नौतपा के दिनों में किस तरीके से हम कोशिश करें कि स्वयं को बचाएं और वातावरण को बचाने के लिए विभिन्न तरह के उन्होंने पेड़ बताए, ये लगाने वो जरूरी पेड़ बताए, वो कुछ उन्होंने हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से बताए। इसके अलावा हमको पेड़ पौधे जितने लगा सके ताकि हमारा वातावरण चारों तरफ शुद्ध हो। देखिए तुलसी की बात की उन्होंने, तुलसी, लेकिन तुलसी एक ऐसा पौधा है जो कि सबसे ज्यादा, जो हम लोग कहते हैं ना पॉल्यूशन हो रहा था, पॉल्यूशन सबसे ज्यादा क्लियर करता है, मैक्सिमम उससे क्लियर होता है। पीपल और ये सब तो ऑक्सीजन देते हैं, बरगद है,
पीपल इनसे ऑक्सीजन मिलती है, 24 घंटे मिलती है, इसलिए कहा जाता है। लेकिन तुलसी अगर आपने घर में दरवाजे के पास लगा ली, फिर आप वहां पे पॉल्यूशन नापिए, आपको पता चलेगा पॉल्यूशन कितना कम हो गया, एयर क्वालिटी कितनी बढ़ गई। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि जिनका आधार वैज्ञानिक है, और उसको हम लोग को हिंदू धर्म की विभिन्न धाराओं से इसलिए जोड़ दिया गया ताकि हम उनको मान्यता देते हुए, पूजा की तरह देते हुए उसका पालन करें, और उसका अपने आचार व्यवहार और अपने व्यक्तित्व और अपने पूरे कहना चाहिए विचारों के साथ चलते हुए अपने संस्कारों में लेके आए, इससे हमको फायदा हो। हम उनके वैज्ञानिक आधार पर ना जाते हुए ये धार्मिक मान्यता के अनुसार चलेंगे तब भी हम स्वस्थ रहें। तो स्वास्थ्य के लिए ये सब चीजें हैं कि नौतपा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है जीवन की। जैसे गर्भकाल को उन्होंने कहा, ये वाकई वो इसमें हमारा मानसून तैयार हो रहा है, सॉलिड मानसून तैयार हो रहा है। इसमें कहीं कुछ गड़बड़ हुआ गर्भपात के समान हो जाता है, जैसे नहीं सूखा पड़ जाता है, अगर इस बीच में कहीं बारिश हो जाए या ठीक से इसमें टेम्परेचर ना हो तो गर्भपात की तरीके हमारे मानसून फेल्योर की बातें आने लगती है कि अब इतने परसेंट फेल्योर हो गया। तो ये नौतपा जितने ज्यादा तपेंगे, जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, उतना ही अच्छा मानसून रहेगा, और उस मानसून के जो आगे रिजल्ट होंगे वो उतनी अच्छे होंगे। इस चीज को बागीचे ने बड़े सुंदर ढंग से एक एक पॉइंट पॉइंट करके बताया, उन्होंने बड़ी अच्छी इसके ऊपर स्टडी कर ली, और बहुत मैं कहूंगा बहुत शॉर्ट उसमें नोटिस में स्टडी करके उन्होंने बता दिया। और हमको इससे किसी तरह का भय नहीं होना चाहिए, किसी तरह का डरना नहीं है। इट इज जस्ट ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जस्ट ए पार्ट ऑफ आवर जो कहना चाहिए जलवायु के जो चेंजेस होते हैं, जैसे बहुत ठंड पड़ती है बीच में 15 दिन की, बहुत तेज सर्दी पड़ती है, ऐसे ही है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। वी हैव टू टेक इट वेरी नाइसली, बहुत आराम से लें। कोई इसमें जो सोशल मीडिया पे 10 तरह के डर बताया जा रहे, कोई डरने की नहीं, जैसे ऋषि साहब ने कहा था कि वो लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो हम लोग भी सुबह जाते हैं सर, मॉर्निंग में टेनिस वेनिस खेलते आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हालांकि ये जरूरी है कि जरूर है कि रात का टेम्परेचर इससे नीचे नहीं जा रहा, रात का भी टेम्परेचर, और मॉर्निंग में जब खेलने जाते हैं हम लोग तब उस समय भी टेम्परेचर 33-34 के आसपास रहता है, जो कि जब सर्दियों के बाद सोचते रहे कि गर्मियां शुरू हो रही, तो 33-34-35 पहुंचते पहुंचते लगता है बहुत तेज गर्मी हुई। उस गर्मी के मौसम में मॉर्निंग में खेलना थोड़ा सा टफ होता है, कुछ पसीना आता है, बट इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, हमको उसे एक्सेप्ट करना। वागीश जी ने बड़े सुंदर शब्दों में, बड़े सरल शब्दों में एक विषय को बहुत अच्छे से समझाया, और इसके साथ जुड़ी हुई किसी भी तरह की भ्रांति थी उसको दूर करने का प्रयास किया। आपकी पूरी भरी प्रशंसा आपके आज के उद्बोधन के लिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अंगिनेप साहब, धन्यवाद आदरणीय बाकी शर्मा जी, आपने समय निकाल समय दिया। और जैसा कि विचार के साथ आप 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं, आज समय है तो बाकी जी कहे तो छोटी सी कविता मैंने पढ़ी है, तो बोल तो मेरी नहीं है अपनी, मतलब डिस्क्लेमर है स्वागत क्योंकि स्वागत स्वागत समय है। स्वागत स्वागत वाह अर्थ इरशाद 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 किया है, अर्थ किया है, अच्छी थी पगडंडी अपनी, आओ गांव में चलते हैं, गांव में अच्छी थी पगडंडी अपनी, सड़कों पर तो जाम बहुत है। अच्छी थी पगडंडी अपनी, सड़कों पर तो जाम बहुत है, पुर हो गई फुर्सत अब तो, पुर हो गई फुर्सत अब तो, सबके पास काम बहुत है। पुर हो गई फुर्सत अब तो, सबके पास काम बहुत है, नई जरूरत नई जरूरत, देखिए इसमें वर्ड आया बूढ़े, अपने अपने आप को मानना, नई जरूरत बूढ़ों की। अब देखिए बूढ़े से मतलब कहीं वो से नहीं है, आज के टाइम में युवा भी बूढ़ा है और जो बूढ़ा है वो भी युवा है, क्योंकि तो युवा का उल्टा वायु होता है, तो जिस बूढ़े जिस बुजुर्ग के अंदर वायु बनी हुई है वो बुजुर्ग नहीं है सर, है तो वाह नहीं जरूरत बूढ़ों की, अब हर बच्चा बुद्धिमान बहुत है, वाह हर बच्चा बुद्धिमान बहुत है, उजड़ गए सब बाग बगीचे, बागीचे कह रहे हैं ना आप, सब जगह बगीचे लगाइएगा, और उन्होंने तो आज कह दिया कि 10 पौधे पता नहीं कौन कौन से गिनाए, एकदम पता नहीं कहाँ से काउंट कर रखे थे आपने, 10 ऐसे गिना दिए, हम तो भूल गए सारे। उजड़ गए सब बाग बगीचे, 2 गमलों में शान बहुत है, हर घर में गमले लगा दिए, उजड़ गए बाग बगीचे, 2 गमलों में शान बहुत है, मट्ठा दही नहीं खाते हैं, मट्ठा और दही नहीं खाते हैं, कहते हैं जुकाम बहुत है, मट्ठा वाह दही नहीं खाते हैं, कहते हैं जुकाम बहुत है, पीते हैं जब चाय तब कहीं, पीते हैं जब चाय तब कहीं, चलिए पांडे जी बैठा जाए चाय पीने चलेगा,
क्या हुआ सर, सुनाइए। वो पांडे जी चाय पीने चले गए। जाए, एक मिनट रुको, होल्ड करो, एक और आगे चाय पीने हुए। चलिए जितन, अरे जितन जी आपने कपड़े नहीं बन रखे, शर्ट डालो जितन जी, आपने कैसे पहन। वाह 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 चलिए साहब, जी। कहते हैं जुकाम बहुत है, पीते हैं जब जब चाय तब कहीं, कहते हैं आराम बहुत है। पीते वाह हैं जब चाय कहीं, तो कहते हैं आराम बहुत है। बंद हो गई चिट्ठी पत्री, बंद हो गई चिट्ठी पत्री, फोनों पर पैगाम बहुत है। बंद वाह वाह वाह, सही बात है। वाह हो गई चिट्ठी वाह पत्री, फोनों पर पैगाम बहुत है। आदि हैं एसी के इतने, अभी आपने कहा ना 11 बजे निकलते हैं, आदि हैं एसी के इतने, कहते बाहर गर्मी बहुत है। हाँ आपने 11 बजे निकलेगा, कहते हैं एसी, कहते हैं एसी के इतने, कहते हैं बाहर गर्मी बहुत है। झुके झुके स्कूली बच्चे, बहुत बच्चों, झुके झुके स्कूली बच्चे, बस्तों में सामान बहुत है। झुके हाँ सही बात है। झुके बच्चे, स्कूली बच्चे, बस्तों में सामान बहुत है। नहीं बचे कोई रिश्तेदार, नहीं बचे कोई रिश्तेदार, अकड़ का एहसास बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बचे कोई रिश्तेदार, अकड़ का एहसास बहुत है। वो कहते ना, मैं इससे कम कोई ना हूं, क्यों? कुंटल सेटायर है सर, वेरी नाइस सेटायर, बहुत तगड़ा सेटायर है। नहीं बचे कोई रिश्तेदार, अकड़ का एहसास बहुत है। सुविधाओं का ढेर लगा है, सुविधाओं का ढेर लगा है, पर इंसान परेशान बहुत है। सुविधाओं हाँ का ढेर लगा, पर इंसान परेशान होता है। आखिरी लाइन है, नहीं है वक्त मिलने जुलने का, नहीं है वक्त मिलने जुलने का, कहते हैं फेसबुक पे यार बहुत है। बहुत याद है सर, वो कहते सर, मेरे तो सही 5,000 फेसबुक फ्रेंड्स हैं। फॉलोअर्स बहुत है, फ्रेंड लिस्ट बहुत लंबी है। और अगर देखा जाए तो पता नहीं, मेरे ख्याल से नेहसा ने किसने कहा था कि 800 करोड़ के उसमें 8 लोग भी आपके अपने नहीं है साहब। 800 करोड़ की पॉपुलेशन में 8 लोग भी नहीं है, गिनती के हो सकता है 4 या 2 ही मिले आपको, जिनसे सही आप कह रहे अपने, हैं सर, जिनसे कभी आप ब्लड की जरूरत पड़ जाए तो बुलवा लीजिए, आपके अपने जितने हैं सब धीरे धीरे गायब मतलब 8 2 भी मिल जाए वो भी बहुत है। जी। चलिए वेरी सर, गुड आपने बहुत धैर्य से सुना, आपके लिए बहुत बहुत सर, धन्यवाद। आपने जो उसमें शब्द बूढ़े वाली बात कही थी और उसको आपने बड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की, वो बूढ़े वर्ड का मतलब होता है अनुभवी से, मतलब हमें जामुन की भी जरूरत होती परिवार में, जो कि हनुमान की याद दिलाए तुम्हारा, अब उनको किसी भी अनुभवी आदमी की जरूरत नहीं, बच्चे अपने आप में एक्सपर्ट हो गए, ये उसका मीनिंग था। और देखिए अभी जो आपने बताया ना, बनियान पहने हुए आप शर्ट पहन लो, तो उसमें सर ये भी नौतपा का असर है सर। वो नहीं जितेंद्र मोहन जी चार्टर्ड अकाउंटेंट में मेरठ से हमारे। मैंने देख लिया, पहचान लिया था जितेंद्र मोहन जी को, मैं नाम ही ले रहा था, आपने उन पे कहा कि भाई शर्ट तो पहन लो, ये भी नौतपा का असर है। आप देख लीजिए नौतपा के ऊपर आज चल रही थी बात, उसका कितना भयानक असर दिख रहा था। नहीं हकीकत में अगर देखा मैं जाए तो मैंने ये सब पहली बार सुना, तो मुझे कोई गरेज नहीं कि मैं, क्योंकि हम तो जरूरी नहीं कि हम वही सब कह रहा हूँ जीता। सर, हम लोग को लगता है कि इसी साल हुआ है, लेकिन अगर आपको याद हो तो पिछले जब लोग छोटे थे या बड़े थे, जवान थे, ये कहा जाता था आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, एक जेब में प्याज लेके चले जाया करो, रास्ते में आम का पन्ना मिले तो पी लिया कीजिए, इस मौसम में ये मौसम बहुत है। तो ये वही वाले नौतपा हर साल दर साल आता है। सोशल मीडिया में इसमें इतना ज्यादा उछला है कि सब जुबान पे चढ़ गया, जब कोई जुबान पे चीज चढ़ जाती है तो फिर वो उसके ऊपर शोर मच जाता चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि एक विचार के साथ, तो 3 बार के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, जब व्यक्ति सफलता के बजाय असफलता पर ध्यान केंद्रित करने लगता है, तो उसे चारों तरफ सिर्फ असफलता ही दिखाई पड़ती है। जब व्यक्ति सफलता के बजाय असफलता पर ध्यान केंद्रित करने लगता है, तो उसे चारों तरफ सिर्फ असफलता ही दिखाई देती है। धीरे धीरे जीवन से खुशियां समाप्त होने लगती हैं, धीरे धीरे जीवन से खुशियां समाप्त होने लगती है, इंसान उदास निराश हताश रहने लगता है। इंसान उदास निराश हताश रहने लगता है। उसके जीवन में एक समय आता है जब वह असफलताओं के लिए व्यक्तियों और परिस्थितियों को दोषी ठहरने लगता है। उसके जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वह अपनी असफलताओं के लिए व्यक्तियों और परिस्थितियों को दोष ठहरने लगता है। जैसा अक्सर जी कहते हैं ना कि साहब मेरे इसकी वजह से दिक्कत हुई, फिर इसकी वजह से, दोनों नहीं है इधर उधर,
ऊपर वाले की वजह से हुआ। सही बात, तीन ओ बार, तीन बार उनका क्या कहते हैं, वाह, हरिओम। शांति शांति।